दिशा अपने कमरे में बैठी हुई थी और किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर उसका नौकर रामू आ गया। अरे रामू, जो मैंने तुमसे मंगवाया था तुम ले आए? हाँ छोटी मालकिन, ले आया। अरे तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे कमरे में ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन छोटी मालकिन, माँ जी ने तो आपके लिए आपकी पसंद की ही दाल बनाई है। अपनी बकवास बंद करो रामू, माँ जी के हाथ की दाल खा खा कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर कुछ दिन मैंने और ऐसा खाना खाया ना, तो मैं शायद अच्छा खाना ही भूल जाऊंगी। दिशा की बात सुनकर रामू कमरे से चला गया और कुछ ही देर में दिशा का होटल से मंगवाया हुआ भोजन उसके कमरे में रख गया। दिशा टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर चहकते हुए बोली, ओ वाओ, मेरी फेवरेट मसालेदार पनीर की सब्जी और पानी पूरी। खाना खाने के बाद जब तक मैं पानी पूरी का पानी नहीं पी लेती, मेरा तो खाना हजम ही नहीं होता। खैर, इस बात को सासू माँ क्या समझेंगी। इतना बोलकर दिशा खाने पर टूट पड़ी। तभी वहाँ पर दिशा की सास कौशल्या आ गई और गुस्से से दिशा से बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस घर में अब से होटल का खाना नहीं आएगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होटल से खाना मंगाने की? कौशल्या की बात सुनकर दिशा डरते हुए बोली, माँ जी, आज मेरा बाहर का खाना खाने का बड़ा मन कर रहा था। तुम्हारा अगर मन कर रहा था तो अपने मन को समझा लेती, आइंदा अगर होटल का खाना मंगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी सास की बात सुनकर दिशा रोते हुए बोली, माँ जी, क्या मुझे बाहर की खाने का कोई अधिकार नहीं है? मैं पिछले एक हफ्ते से फीकी दाल ही तो खा रही हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिर जो मैं खाना बनाऊंगी तुम्हें वही खाना पड़ेगा। इतना बोलकर कौशल्या गुस्से से रामू को आवाजें लगाने लगी, रामू, ओ रामू, अरे कहाँ मर गया तू, जल्दी यहाँ पर आ। रामू डरता हुआ वहाँ पर आकर बोला, क्या हुआ बड़ी मालकिन? अब से बहू अगर बाहर का खाना तुझसे मंगाए और तूने ला कर दिया तो तुझे धक्के मार कर नौकरी से निकाल दूंगी। जल्दी से यहाँ से ये खाना बाहर ले जाओ। रामू चुपचाप खाना लेकर कमरे से बाहर चला गया। कौशल्या गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही दिशा फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी दिशा जब से यहाँ आई थी तब से उसकी सास का रवैया ही कुछ ऐसा था। दिशा रोते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। दिशा रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नजर उसकी दोस्त पूनम पर पड़ी, जिसका चेहरा बुझा हुआ था। पूनम का बुझा हुआ चेहरा और अकेले देखकर दिशा बुरी तरह से चौंक पड़ी। अरे पूनम, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? और तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? सब कुछ ठीक तो है ना? अब तुझे क्या बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई थी ना, तब से मेरी सासू माँ ने मेरी नाक में दम कर रखा था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, मजबूरी में मुझे मेरे हस्बैंड से डाइवोर्स लेना पड़ा। अरे, तुझे तेरी सासू माँ तंग कर रही थी और डाइवोर्स तूने अपने हस्बैंड से ले लिया? ये मैटर तो कुछ समझ में नहीं आया। सासू माँ हमेशा मेरी कान खींचती रहती थी। मैंने अपने हस्बैंड से सासू माँ की बहुत शिकायत की, मगर वो हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेता। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना बोलकर पूनम उदास चेहरे से वहाँ से चली गई। दिशा भी उदास मन से अपने घर आ गई। तभी दिशा की माँ दिशा से बोली, अरे दिशा, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे बेटे, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ये आप क्या कह रही हो माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। आपको पता है कुछ महीने पहले मेरी फ्रेंड पूनम की शादी हुई थी और उसका अब डिवोर्स भी हो गया, वो भी उसकी सास की वजह से। दिशा की बात सुनकर दिशा की माँ मुस्कुराते हुए बोली, सभी सास एक जैसी नहीं होती हैं बेटी, कुछ माँ की तरह भी होती हैं और कुछ तो माँ से भी ज्यादा प्यारी होती हैं। कौशल्या मेरी बचपन की दोस्त है, उसका बेटा राहुल एक संस्कारी लड़का है और कमाता भी अच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तू वहाँ बहुत खुश रहेगी।
कुछ देर बाद कौशल्या अपने बेटे राहुल के साथ वहाँ आ गई और दिशा को देखते हुए दिशा की माँ से बोली, मुझे तो लड़की पसंद है। मैंने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है कौशल्या, चिंता मत करो, मैं अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी कि इसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होगी। ये सुनकर दिशा के मन को असीम शांति मिली। कुछ ही दिनों में दिशा और राहुल का विवाह हो गया और दिशा बहू बनकर कौशल्या के घर आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर अचानक दिशा की सास के रवैये में परिवर्तन आने लगा। एक दिन दिशा गार्डन में बैठी हुई कॉफी पी रही थी कि तभी कौशल्या वहाँ आ गई और दिशा से बोली, ये तुम क्या कर रही हो दिशा? कॉफी पी रही हूँ माँ। आज से तुम कॉफी नहीं पियोगी। इतना बोलकर कौशल्या दिशा के हाथ से कॉफी का मग छीन कर वहाँ से चली गई। शुरू में तो दिशा का इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं गया, मगर धीरे धीरे करके कौशल्या के मनमानियाँ बढ़ने लगी। वो हमेशा दिशा के खान पान पर नजर रखने लगी। दिशा को अब इस बात से बहुत चिढ़ महसूस होने लगी और एक दिन वो अपने पति राहुल से बोली, देखिए शुरू शुरू में तो मैंने माँ जी के रवैये को इग्नोर कर दिया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? हुआ क्या है, अगर मैं कॉफी पीती हूँ तो तुम्हारी माँ को प्रॉब्लम, और अगर मैं मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान मंगाती हूँ तो भी उन्हें दिक्कत होती है। किचन में मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना सकती, जो भी खाना पड़ता है वो सासू माँ की पसंद का ही खाना पड़ता है। वो हमेशा फीका खाना बनाकर ही मुझे खिलाती रहती हैं। हो सकता है दिशा की तुम प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से ऐसा कर रही हो। नहीं, सच तो ये है कि अब वो मुझसे चिढ़ने लगी हैं। अगर उन्हें मैं पसंद ही नहीं थी तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी मुझे बहू बनाकर लाने की। शुरू शुरू में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं अपनी बहू को इतना प्यार दूंगी कि वो अपनी माँ को भूल जाएगी। दिशा, तुम जानती हो कि मेरी माँ से बात करने की हिम्मत नहीं होती। इतना बोलकर राहुल रूम से बाहर निकल गया। दिशा रोते रोते ही कमरे में सो गई। रात के समय राहुल जब ऑफिस से घर आया तो दिशा को कमरे में सोते हुए देख चौंक गया। राहुल दिशा को उठाते हुए बोला, क्या हुआ दिशा? तुम्हारा चेहरा बता रहा है जैसे कि तुम बहुत ज्यादा रोई हो। दिशा फिर से रोने लगी और अपने पति राहुल को सारी घटना बताते हुए बोली, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ, माँ जी का बर्ताव मेरे प्रति दिन पे दिन बुरा होता जा रहा है और तुम हो कि अपनी माँ से बात कभी नहीं करोगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर राहुल गुस्से से सीधा अपनी माँ कौशल्या के कमरे में पहुँच गया। माँ, ये क्या लगा रखा है आपने? शुरू शुरू में तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ओवर हो रहा है। क्या हुआ? माँ, दिशा क्या खाती है क्या नहीं खाती इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको दिशा से इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं दिशा को लेकर दूसरे घर शिफ्ट हो जाऊंगा। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला गया। तभी कौशल्या हाथ में एक फाइल पकड़े हुए राहुल के रूम में पहुँची। उस फाइल को देखकर दिशा बुरी तरह से चौंक गई। इस फाइल को पहचानती हो ना तुम दिशा? इसमें तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री है। शादी से पहले से ही तुम लीवर प्रॉब्लम से जूझ रही हो, क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच है। मैं एक बार तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे ये फाइल मिली। फाइल में डॉक्टर का नाम देखकर मैं उनसे मिलने के लिए गई। उनसे तुम्हारी बीमार होने की वजह पूछी। डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि शादी से पहले तुम्हारा खान पान अच्छा नहीं था। डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि अगर तुम ऐसे ही बद परहेजी करती रही तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल चौंकता हुआ बोला, ये आप क्या कह रही हैं माँ? दिशा ने इस बारे में मुझे कभी नहीं बताया। दिशा ने शायद इसलिए तुमसे अपनी बीमारी की बात छुपाई कि कहीं तुम उस पर गुस्सा ना हो जाओ, और मैं भी नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी तुम पर खुलकर सामने आए। इतना बोलकर कौशल्या दिशा से बोली, तुम ही बताओ दिशा, अगर मेरी बेटी बीमार होती तो क्या मैं उसे वो सब खाने से नहीं रोकती जो उसे डॉक्टर ने मना कर रखा है? मैंने सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए तुम पर थोड़ी सख्ती बरती, और अगर तुम फिट होती तो मुझे क्या दिक्कत है?
तुम्हारे खाने पीने से, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे लिए होटल से ना जाने क्या क्या खाने पीने का सामान ऑर्डर करती। अपनी सास की बात सुनकर दिशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं आपको समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं बेटी, गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है, अब तुम्हें बस कुछ दिन ही खाने पीने से परहेज करना होगा। उसके बाद तुम बिल्कुल फिट हो जाओगी। उसके बाद हम दोनों साथ बैठकर रेस्टोरेंट का तीखा खाना खाया करेंगे, और वो तुम्हारी फेवरेट पानी पूरी भी। अपनी सास की बात सुनकर दिशा का मन साफ हो गया। कुछ दिनों बाद दिशा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। वो आज भी अपनी सास को अपनी माँ से ज्यादा अच्छा मानती है।